अफगानिस्तान में तालिबान को लगा झटका। बागलान प्रांत में विरोधी गुट ने आतंकी गुट से छीने 3 जिले, दावा पोले हिसर, डेर सलाह और बानो जिले तालिबानी कब्जे से छुड़ाए गए। तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हुआ ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन बोले, अफगान संकट का खोजेंगे समाधान, जरूरी हुआ तो तालिबान के साथ काम करेगा ब्रिटेन। अफगान संकट पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा कि जेल से निकले आतंकी कर सकते हमला, देंगे कड़ा जवाब, अफगान महिलाओं के लिए दुआ करें। 2024 की लड़ाई मिलकर लड़ेगा विपक्ष, सोनिया गांधी संघ मीटिंग में तय हुए 11 मुद्दे। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने और महंगाई का मुद्दा शामिल। जालौर हादसे पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई संवेदना, कहा कि शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे ईश्वर। मिट्टी ढहने से बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को किया ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इमरजेंसी यूज के लिए जाइडस कैडिला की वैक्सीन को केंद्र की हरी झंडी, 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई जा सकेगी वैक्सीन। 3 डोज वाली इस वैक्सीन को लेना होगा 4 हफ्ते के अंतराल। दिल्ली एनसीआर में मेहरबान हुए मेघ, झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों को परेशानी, तापमान में गिरावट। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का 3रा दिन, यात्रा के तहत अजमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, चामुंडा माता मंदिर में किए दर्शन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय अहमद पटेल की जयंती आज, 21 अगस्त 1949 को हुआ था अहमद भाई का जन्म, कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर थी अहमद भाई की पहचान।